हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए कुछ अनाउंसमेंट्स के बारे में, रिलीज डेट के अनाउंसमेंट और उसी के साथ टीजर के अनाउंसमेंट, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे अनाउंसमेंट्स का जब बाढ़ आ चुका है एक तरह से। कोई रिलीज डेट अनाउंस कर रहा है, कोई अपना पोस्टपोनमेंट अनाउंस कर रहा है, कोई नया रिलीज डेट अनाउंस कर रहा है, कोई टीजर का डेट अनाउंस कर रहा है, मतलब यही सब चल रहा है फिलहाल में एक दो दिन में। और उसी में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक बर्निंग टॉपिक जो कि चल रहा था पिछले एक दो दिनों से, दो तीन दिनों से, दैट इज एनिमल, द मैग्नम ओपस ऑफ संदीप रेड्डी वांगा एंड रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल जो है वो हम सबको पता ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है। कल इसके बारे में बात भी किया था हम लोग, एंड हम उसी में आपको बताए थे कि उसका जो नया रिलीज डेट होगा शायद 1 दिसंबर बताया जा रहा है। एंड आज संदीप रेड्डी वांगा ने खुद ही एक वीडियो डाल के इसको कल क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ हम लोग किस वजह से नहीं आ पा रहे थे और कब आ रहे, वो भी बता दिया। तो रिलीज डेट उन्होंने बता दिया कि 1 दिसंबर हम लोग को सही रिलीज डेट लग रहा है, तो वहां पे उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया। उसी के साथ साथ रीजन भी उन्होंने बताया कि जो क्वालिटी ऑफ द फिल्म है उस पर कहीं से भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, और बहुत ही ब्लंटली बात करते हैं जिस तरह से उसी तरह से, मतलब क्लैरिटी में, कि नहीं बहुत टेक्निकल चीजें बोल के आपको बोर नहीं करता, बस इतना समझ लो एग्जाम्पल के लिए कि जैसे 7 सॉन्ग्स है, उन्होंने बताया 7 सॉन्ग है इस पूरे के पूरे फिल्म में, और उन्होंने बताया कि 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, तो समझ लो कि 35 सॉन्ग। अब किसी पे भी हम किसी भी तरह का ढिलाई नहीं करना चाहते हैं, कि हर किसी को वो फील होना चाहिए कि हाँ ये मेरे ही रीजन का गाना है, मतलब तमिल वाले को ऐसा नहीं लगे कि यार हिंदी डब्ड है उसको डब कर दिया, नहीं वैसा नहीं। प्रॉपर लिरिसिस्ट, प्रॉपर जो एक तरह से होते हैं ना कि फुल फ्लेज पैन इंडिया फिल्म जिसको बोलते हैं, जो कि हर लैंग्वेज के लिए उसी तरह का इम्पैक्ट छोड़े और उसी तरह का रिस्पॉन्स उसको मिले, कुछ उस तरह का बना रहे हैं। एंड लास्ट में उन्होंने बोला कि 1 दिसंबर को आइए और थिएटर में देखिए रणबीर कपूर का विश्व रूप, और मतलब मजा आ गया वो सुन के, और जिस तरह का रूप भी देखने को मिलने वाला। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई कि प्री टीजर जो हुआ था, जो उसका अनाउंसमेंट हुआ, तो उसमें हम लोग सबको यही सोच रहे थे कि ये जो होगा ये स्पेशली प्री टीजर के लिए शूट किया होगा, ये सीन एक्चुअली में फिल्म में नहीं होने वाला है। बट उन्होंने बोला कि नहीं, ये फिल्म से ही कट करके निकाला है, ये फिल्म में होने वाला है ये सीन। अब वहां से क्यूरियोसिटी और बढ़ गया कि ये किस मोमेंट पे ये सीन आया, क्योंकि एक तरह से, क्योंकि सबको इसी तरह से लग रहा था कि ये मतलब शूट किया होगा उस तरीके से, लेकिन इतने लोग गोल्डन मास्क पहन के खड़े हैं, रणबीर कपूर फुल स्वैग में वहां पे आते हैं, उधर से गाना चल रहा है, मतलब क्या ऐसा सिनेरियो रहा होगा, क्या सिचुएशन होगा जहां पे ये सीन होगा, वो मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा है। खैर उसका तो इंतजार करना पड़ेगा, 1 दिसंबर को ही उसका जवाब मिलने वाला है। सो आप कितने एक्साइटेड हो एनिमल के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक और फिल्म जिसका कि आज टीजर अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट डेट नहीं हुआ लेकिन फिर से रिकन्फर्म अपना रिलीज डेट उन्होंने किया, दैट इज ओ माई गॉड 2। सेम दिन आने वाली थी जिस दिन एनिमल आ रही है, अभी भी वो वही आ रही है, एनिमल अब नहीं आ रही, लेकिन ओ माय गॉड 2 और गदर 2 इन दोनों का क्लैश होने वाला है 11 अगस्त को। तो फिर से उन्होंने, क्योंकि एक बार रिलीज डेट अनाउंस करके वो लोग भी शांत हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं आने वाले हैं नहीं आने वाले, तो फिर से उन्होंने रिलीज अनाउंस कर दिया अपना नया पोस्टर्स के साथ, जो कि आप देख रहे हैं अक्षय कुमार शिवजी के रूप में इस बार हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो हम तो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आई रियली लाइक द फर्स्ट पार्ट हमको बहुत पसंद आया था, एंड उनका रोल भी जिस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण का रोल किया था वो भी हमको बहुत अच्छा लगा था। एंड परेश रावल तो आउटस्टैंडिंग थे ही, इसमें परेश रावल नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन पंकज त्रिपाठी साहब देखने को मिलेंगे, और उनका भी फर्स्ट लुक जो है इस फिल्म से हम लोग को देखने को मिला। टीजर बहुत जल्दी आने वाला है, बताया जा रहा है कि 9 जुलाई को आएगा, क्योंकि 9th जो न्यूमरोलॉजी है अक्षय कुमार का, वो 9th उनका लकी डिजिट है, तो 9th को ही बताया जा रहा है कि इसका ऑफिशियल टीजर हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं टीजर में क्या निकल के आता है और क्या कॉन्ट्रोवर्सी हो सकता है, क्योंकि ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, तो सब कोई सोच के चल रहा है पहले से ही कि यार कुछ तो कॉन्ट्रोवर्सी होगा इसमें। सो आई होप कि कॉन्ट्रोवर्सी से ना हो और एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म देखने को मिले विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी। बेहतरीन फिल्म ऐसे भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिर भी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाता है, तो देखते हैं, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है, तो देखते हैं क्या होता है। जब टीजर आएगा तभी इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप कितने एक्साइटेड और क्या एक्सपेक्टेशन है आपके ओ माई गॉड 2 से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कुछ और अगर अनाउंसमेंट्स का बात करें तो अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 अनाउंस हुई, जो कि अगले साल दिवाली पर निकलेगी। वरुण धवन और नेटली वाली जो फिल्म है उसका रिलीज डेट अनाउंस हुआ 31 मई को। बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में का अभी अनाउंस हुआ इन दिनों, लाइफ इन अ मेट्रो का पार्ट 2 वो अनाउंस हुआ, वो भी शायद मार्च में आ रहा है। द क्रू करीना कपूर का वो भी अनाउंस हुआ, तो बहुत सारी चीजें अनाउंसमेंट हुई, इतना सारा अनाउंसमेंट हुआ कि अब मतलब याद भी नहीं है। योद्धा का अनाउंसमेंट हुआ, वो 15 दिसंबर को जा रहा है। सो बहुत सारे अनाउंसमेंट हैं। आप कितने एक्साइटेड हो, किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन बताना। वीडियो पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।